आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, जय हरि। प्रेरक विचारों का भंडार और सुखी जीवन का सार कहे तुका, इस संत तुकाराम जी महाराज के अभंग का चिंतन क्रमांक दो आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। क्रमांक एक के चिंतन में हमने जाना कि हमारी दुर्दशा का कारण हमारे ही दुर्गुण हैं, इसलिए हमें इंसान से नहीं उसके दुर्गुणों से लड़ना है। आज का चिंतन क्रमांक दो, हमें जानना है कि संत तुकाराम जी महाराज इनकी माने तो ईश्वर की पूजा का मर्म क्या है। किसी भी जीव के प्रति मन में द्वेष की भावना न होना, क्या कहना है तुकाराम जी महाराज का, यह थोड़ा विस्तार से समझ लेना पड़ेगा। वो कहते हैं कि दुनिया एक ईश्वर से समाई है और इस वजह से पूरी दुनिया का धर्म एक है, और इस एक ईश्वर से समाई दुनिया के एक धर्म का मूल तत्व क्या है कि भेदभाव मानना यह सबसे अशुभ बात है। फिर भेदभाव मानने का आधार कुछ भी हो, जाति के आधार पर, धर्म, वर्ण, पैसा, ज्ञान और कुछ भी हो, भेदभाव करना या मानना ये इस धर्म का अशुभ कार्य है। और इसलिए तुकाराम जी महाराज की सभी ईश्वर के भक्तों को एक विनती है कि सभी भगवान के भक्तों, कृपया मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अपने जीवन में जो कुछ भी करना है वो सबके हित का होना चाहिए और सत्य ही होना चाहिए। अब जब तुकाराम जी महाराज ये कह रहे हैं तो इसको और थोड़ा सा समझ लेंगे। देखिए होता क्या है कि जब हम सबके हित का करेंगे, सबके हित का सोचेंगे तो सत्य तो अपने आप होने वाला है, और अगर हम सत्य से कुछ करेंगे तो सबके हित का तो अपने आप होने वाला है। तो इस तरह से तुकाराम जी महाराज अपने आप ही कुछ अच्छी सी बात कहना चाह रहे हैं। और यह सब कब होगा, जब तुम्हारा मन सभी के प्रति प्रेम भाव से भरा होगा तब। ईश्वर की पूजा तो जोर शोर से होगी, मगर प्रेम किसी के भी प्रति न होगा तो जीवन व्यर्थ है और पूजा तो फलने से रही। तो ईश्वर की पूजा का मर्म बताते हुए तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि किसी भी जीव के प्रति अपने मन में द्वेष की भावना न होना, यही तो ईश्वर की पूजा का मर्म है और यही बात हमें यहां पर समझ लेनी है। अब वैसे देखा जाए तो पूजा आसान तो लगती है, मगर है नहीं। मन में द्वेष की भावना ही नहीं होना, द्वेष तो हमारी रग रग में है, द्वेष तो हमारी खून में है। हम किसी का भी द्वेष करते हैं, किसी का भी, जिससे पहचान है उनके बारे में कुछ जानते हैं, मानते हैं, और उनके बारे में कुछ बुरा है तो ठीक है, हम उनके प्रति द्वेष करते हैं। लेकिन गलत बात तो तब है कि जब हम किसी आदमी को जानते ही नहीं, उसको पहचानते ही नहीं, लेकिन किसी ने कहा कि वो बुरा है तो करने लगे उसका अपने मन में द्वेष। क्यों, यही बात हम यहां पे आज समझ लेने वाले। हालांकि अब द्वेष जैसी चीज तो हमारे खून में है, इसे निकालना आसान नहीं, इसलिए ईश्वर की पूजा तुम आसान समझकर जिस तरह से भी करते हो वास्तविक वह पूजा नहीं, इसलिए भगवान प्रसन्न नहीं और आपका जीवन सुखी नहीं। अगर आपके जीवन में सुख पाना चाहते हैं तो द्वेष की भावना को खत्म करो। मन भरा पड़ा है इस द्वेष की भावना से तो सुख को जगह मिलेगी कहां, इसलिए थोड़ी थोड़ी द्वेष की भावना कम करते जाओ, वैसे वैसे सुख को तुम्हारे मन में रहने को जगह मिलेगी और तुम सुखी हो पाओगे। होता क्या है, मैं द्वेष और जलन इन दोनों को अलग अलग समझाता हूं। है तो ये भाई भाई, मगर अलग अलग है। जलन से तो जलने वाला ही जलेगा, अगर मैं किसी से जलता हूं तो मैं ही जलूंगा, जिससे जल रहा हूं उसे उससे क्या अड़चन, कुछ नहीं। मगर द्वेष, मुझे उसका नुकसान करे बगैर चैन ही नहीं मिलेगा, इस तरह की भावना, खुद तो खत्म हो जाऊंगा, जिससे जलता हूं उसको भी खत्म कर दूंगा,
नहीं, मैं शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से कह रहा हूं, मैं मानसिक रूप से किसी को खत्म करके ही रहूंगा। इस तरह की भावना अपने मन में हो, यही तो द्वेष है। और ये होना मतलब आप कभी भी ना ईश्वर के भक्त हो सकते हैं, ना ईश्वर की संतान हो सकते हैं, ना ईश्वर की पूजा तुम्हारे से हो सकती है। इसलिए द्वेष को निकालना ही ईश्वर की पूजा का मर्म है, ऐसा तुकाराम जी महाराज बार बार यहाँ पे कह रहे हैं। अब जिस ईश्वर की पूजा करनी है उसे तो हम सुख में देखना है, क्या हम चाहेंगे कि वो दुख में रहे? बिल्कुल नहीं। हमारा सुख और दुख तो बहुत अलग बात है। हम हमारे मन में अगर द्वेष की भावना निकालें तो जरूरी नहीं कि भगवान हमें प्रसन्न हो, हम वैसे ही सुखी होने वाले हैं जिसके लिए हम भगवान की प्रार्थना करते हैं। अब जाहिर है हम भगवान को सुख में देखना चाहेंगे, तो तुकाराम जी महाराज आखिर में क्या कहते हैं कि देखिए शरीर के अनेक अंग होते हैं, तो सुख दुख की भावना लेकिन सिर्फ अपने हृदय को होती है, अपने मन को होती है। पैर को चोट लगी, हाथ को खरोंच आया, पेट में दर्द हो रहा है, सिर दुख रहा है, ये सभी से दुख मात्र एक ही को होता है और वो है अपना मन। तो इस तरह से हम सारे लोग एक ईश्वर की संतान हैं, तो एक दूसरे के प्रति भेदभाव करना, एक दूसरे के प्रति मन में द्वेष का भाव होना, इससे उस एक ईश्वर को ही दुख होगा। जैसे हमारे एक शरीर के एक मन को दुख होता है, शरीर के अनेक अंगों को कहीं पे भी किसी को भी तकलीफ हो, तो इस तरह से हम अगर एक ईश्वर की संतान है, हम सब भाई भाई है, अगर हम एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रखकर जिएंगे तो इसका एक दुख, इसका दुख जो है वो अपने एक ईश्वर को होगा, जिसका कारण हम खुद है, इसलिए हम भी दुखी रहेंगे। तो देखिए सुख के लिए तुकाराम जी महाराज ने कही पूजा ही हम करेंगे, इस बात को कहकर मैं यह चिंतन आज समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हरी।